हेलो एवरी वन वेलकम टू लेक्चर नंबर टेन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल लेवल्स नाउ एंड दिस विल बी द लास्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट लेबर की बात करेंगे तो या स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट में दिया रहता है हमें पर के जी चाहिए या पर आर चाहिए अगर हम लेबर वेरियंसिस की बात करेंगे तो लेबर वेरियंसिस हमें स्टैंडर्ड रेट जो रहता है वो पर आर में दिया होना चाहिए सिमिलरली अगर हम मटेरियल वेरिएंसेस की बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको पर केजी दिया होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वो किस तरीके से करना है वो इस लेक्चर में हम सीखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं देन वी कैन मूव फर्दर विद द कैल्कुलेशन तो नॉर्मल वेरियंसेज यहाँ पे सॉल्व करने फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वेरियंसिस टेन यूनिट्स के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है फाइव आवर्स देखो स्टैंडर्ड रेट मैंने हाईलाइट करके रखा है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट दिया है फिफ्टीन हमें पर यूनिट नहीं चाहिए हमें चाहिए पर केजी चाहिए या पर आर चाहिए अगर लेबर की बात करेंगे तो हमें क्या चाहिए लेबर पर आर चाहिए पर केजी नहीं चाहिए तो हाउ टू कन्वर्ट दैट अगर हम देखें एक्चुअल प्रोडक्शन है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड यूनिट्स एक्चुअल आर्स वर्क है एटी फाइव थाउजेंड और एक्चुअल रेट भी दिया है ट्वेंटी एटी तो इसको प्रेजेंट देखो कैसे करना है स्टैंडर्ड रेट लास्ट में लिखते हैं पहले एक्चुअल रेट लिख लेंगे एक्चुअल रेट है ट्वेंटी एटी तो एक्चुअल रेट यहाँ पे लिखना है सबसे पहले एक्चुअल रेट में लिख रहा हूँ ट्वेंटी एटी फिर एक्चुअल आर्स लिखेंगे तो एक्चुअल आर्स देखो कितना है एटी फाइव थाउजेंड आर्स दे दिए है तो एक्चुअल आर्स में लिख रहा हूँ अभी एक्चुअल आर्स एटी फाइव थाउजेंड आरस तो एटी फाइव थाउजेंड आर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर स्टैंडर्ड देखते हैं स्टैंडर्ड के लिए देखो टेन यूनिट्स के लिए फाइव आर्स का इन्फॉर्मेशन है मतलब दस यूनिट बनाने के लिए पांच घंटे लेबर काम करेगा तो प्रोडक्शन कितना है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ध्यान से समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन देखो टेन यूनिट्स बनाने के लिए लेबर कितना आर्स काम कर रहा है फाइव आवर्स काम कर रहा है तो वन लैख सिक्सटी आपका प्रोडक्शन है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड यूनिट्स बनाने के लिए कितना काम करेगा तो इसको आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फाइव डिवाइडेड बाई टेन तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा स्टैंडर्ड आर्स दैट विल बी एट्टी थाउजेंड आर्स कितना मिला स्टैंडर्ड आरस एट्टी थाउजेंड आर्स अब ध्यान से स्टैंडर्ड रेट हमको क्वेश्चन में पर यूनिट दिया है कितना दिया है पर यूनिट रुपीस फिफ्टीन हमें पर यूनिट नहीं चाहिए हमें चाहिए पर केजी बिकॉज पर केजी ही लगेगा मटेरियल के लिए और लेबर के लिए कितना लगेगा पर आर लगेगा तो अभी हम इसको पर केजी के जगह पे क्या लेंगे पर आर लेंगे मटेरियल का भी अगला क्वेश्चन करवाऊंगा वहाँ पे पर केजी लेंगे तो इसके लिए देखो इक्वेशन फ्रेमिंग बहुत इजी है आपको करना क्या है काफी सिंपल है ये जो स्टैंडर्ड का जो इक्वेशन है यहां पे लिखा हुआ है मैंने इसी को हमें रिवर्स करना है देखो मैं कैसे इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूं 10 का 5, तो इसको उल्टा करना है 10, 10, तो हमारा रेट कितना दिया है फिफ्टीन तो फिफ्टीन इज टू क्वेश्चन मार्क तो अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइड बाई टेन डिवाइडेड बाय फाइव तो हमें रेट आ जाएगा ट विल बी रूपीज थर्टी अभी हम सही है या गलत ये कैसे पता चलेगा देखो हमारा स्टैंडर्ड रेट मिला थर्टी हमारा एक्चुअल रेट देखो कितना है हमारा एक्चुअल रेट है ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट्टी ये नियर बाय होना चाहिए ये अगर नियर बाय है तो हम राइट right है देखो यहाँ पे फिफ्टीन दिया था यहाँ पे ट्वेंटी नाइन पॉइंट एटी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है तो दिस इज द स्टेप टू कैलकुलेट इट्स वेरी सिंपल जो हमारा स्टैंडर्ड आर्स का कैलकुलेशन है उसी इक्वेशन को रिवर्स कर लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढ लेना अभी तो सिर्फ सिंपल स्टेप्स है प्रेजेंट कर लेते हैं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर तो स्टैंडर्ड रेट हमने कैलकुलेट किया था थर्टी माइनस एक्चुअल रेट कितना था हमारा ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट्टी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आर्स कितने थे हमारे एक्चुअल आरस थे एटी फाइव थाउजेंड आर तो एक्चुअल आर्स कितने थे हमारे एक्चुअल आर्स थे हमारे एटी फाइव थाउजेंड आरस तो अभी इसको सॉल्व करेंगे

फर्दर नेक्स्ट वेरिएंस में जाते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस काफी सिंपल स्टैंडर्ड आरस तो स्टैंडर्ड आर्स हमने कितने ढूंढे थे स्टैंडर्ड आरस हमने ढूंढे एट्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट कितना था थर्टी माइनस एक्चुअल आर्स हमने कितने थे दिए थे एट्टी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेट कितना दिया था ट्वेंटी नाइन पॉइंट एटी तो एक एक मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले एट्टी थाउजेंड को थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट दी आंसर ओवर हियर

तो सिंपल है। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा हाउ टू तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे पर आर में दिस इज दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर ध्यान से देखे तो यहाँ पे हमें मटेरियल वेरियंसेस को काउंट करना है मटीरियल वेरियंसेस के लिए भी सेम इंफॉर्मेशन फॉर यूनिट इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू तो चलो अभी शुरू करते हैं मटीरियल वेरियंसेस को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले हम एक्चुअल प्राइस के साथ शुरू करेंगे तो एक्चुअल प्राइस हमको देखना है कितना दिया है क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है एक्चुअल प्राइस अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से समझो तो एक्चुअल प्राइस एक्चुअल रेट आपको दे दिया है थ्री पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल रेट बोल सकते हैं थ्री टेन एक्चुअल क्वांटिटी देखते हैं एक्चुअल टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर्स तो एक्चुअल आर्स मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ही है हमारा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इधर गलती से आर्स में दे दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी दैट विल बी टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढेंगे कितने यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन है फोर यूनिट्स के लिए ट्वेंटी फोर अठारह सौ यूनिट्स आपका प्रोडक्शन है चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से काफी इम्पोर्टेंट फोर यूनिट्स के लिए है ट्वेंटी फोर अठारह सौ यूनिट्स के लिए हाउ मच क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एटीन हंड्रेड मल्टीप्लाइडी फोर डिवाइडेड बाई फोर तो दैट कम्स टू टेन थाउजेंड एट हंड्रेड आर्स

तो एटीन इज टू क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइड बाई फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर तो यूल गेट देंसर ओवर हिस्सोर के जी ठीक है ये थ्री रुपीज आ चुका है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस अभी हम इसको प्रेजेंट करेंगे हमारे फॉर्मूला में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना था थ्री माइनस थ्री पॉइंट टेन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितना था तो एक्चुअल क्वांटिटी वाज़ टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सब्सटीट्यूट करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी वाज़ टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री माइनस थ्री पॉइंट टेन इंटू टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट विल बी नेगेटिव फिगर वन जीरो फाइव जीरो एडवर्स वन जीरो फाइव जीरो एडवर्स नेक्स्ट विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाज़ टेन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी वाज़ टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस वाज़ थ्री तो टेन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय थ्री दैट विल बी का एंसर आ जाएगा नाइन हंड्रेड फेवरेबल फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं मटीरियल कॉस्ट वेरियंस ंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल प्राइज वॉज थ्री पॉइंट टेन मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से टेन थाउजेंड एट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई थ्री दैट विल बी थर्टी टू फोर हंड्रेड माइनस टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट टेन विल बी थर्टी टू थाउजेंड फाइव फिफ्टी वैसे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग द आंसर एज वन फिफ्टी एडवर्स दैट वाज़ द टू व्हिच वी हैव क्वेश्चन आई होप दिस बोथ द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू बिकॉज इन दिस टू क्वेश्चन स्टैंडर्ड रेट per unit if it is given then we need to convert that for labor variance similarly for material variances also we have seen thank you very much from this video next time bye bye all of you take care